आधार टीवी को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आधार टीवी के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप दबाइए। दबाते ही बगल में घंटी बनी हुई आएगी, उस घंटी को दबाइए और बस अब हमारे वीडियोस आप हमेशा सबसे पहले देखते रहिए, हमें सपोर्ट करिए। आधार टीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ श्याम यादव। आज हम ऐसे गायक, ऐसे लोकप्रिय गायक से मिलाने वाले हैं आपको, जिनका फिलहाल ही में एक गाना हिट हुआ था, नैना मार मार काना बुलाई लूँगी। तो काफ़ी मित्रों के रिक्वायरमेंट थी कि भैया उनसे आप जाके मिलिए कि कितनी मेहनत करती हैं जी, कितना संघर्ष करती हैं, कितना प्रयास करती हैं, कितना रिहर्सल करती हैं। इनका ये गाना हिट हुआ और काफ़ी इस गाने को लेके उषा शास्त्री जी चर्चित हैं। आइए हम उषा जी से जानते हैं। उषा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये गाना हिट हुआ नैना मार मार काना बुलाई लूँगी तो ये गाना आपने भरने से पहले क्या सोचा था कि ये हिट होगा या ऐसे ही आपने गाया था? ये आधार टीवी चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए हमारा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राधे। अब बताइए आप, नैना मार मार काना वाला जो गाना हिट हुआ आपका, ये आपने गाया, उस समय आपको पता था कि गाना हिट होगा या ऐसे ही रिहर्सल तौर पर गा दिया था? ये तो पहले से हमें कुछ पता नहीं था कि मतलब हमारा ये गाना हिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये कुछ हमें आशा नहीं थी। लेकिन ये तो मतलब सब लोगों की देन थी और सब लोगों का आशीर्वाद था। तो ये जो सुधीर भैया हैं राधा रानी स्टूडियो वाले, तो इन्होंने हमसे ज़्यादा कहा था। तो फिर पहली बार हम कैसेट तो मतलब काफ़ी निकाल चुके हैं, लेकिन कोई कैसेट मतलब मार्केट में नहीं उठी थी। तो ये गाना हमने अजय कैसेट कंपनी से निकाला था, लेकिन सब लोगों को ये गाना ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक किया। लेकिन कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ जो नाम हमारा हो गया जी। उषा जी, आपका गाना हिट रहा तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये सिंगिंग करने का कब से शौक लगा है, थोड़ा सा प्लीज। ये हमारे लिए शौक, मैं बहुत छोटे थे जी, करीब ऐसे 5 में पढ़ते थे हम, तब से ये हमें सिंगर लाइन का शौक लगा था और तभी से मैंने ये गायकी वगैरह मतलब स्टार्ट कर दी थी। सिंगिंग की शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण करी? सिंगिंग ये शिक्षा मैंने अपने घर पे ही की थी। नहीं, कोई आपका गुरु तो रहा होगा? हाँ, मेरे गुरु हैं, मतलब एक हमारे गांव के चाचा जी थे जी। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब गाना सिखा दिया था। फिर उसके बाद हमारे राजेंद्र एडवोकेट गुरु जी हैं मतलब रहमतपुर के, उनसे मैंने सब कुछ लिया था। फिर तो ये आपका गाना हिट हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध रहें इस गाने को लेकर के, तो क्या खास कहना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए, जो आपका गाना काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी व्यू मिले आपके गाने को? मैं क्या कहना चाहेंगे, मैं तो यही चाहते हैं, जिस तरह से मेरे गाने को लाइक किया है सब लोगों ने, तो मैं तो यही कहना चाहते हैं जिस तरह से लाइक किया है उसी तरह से मतलब आगे भी हम मंजिल पार करते रहें और सब लोग जैसे हमारा नाम ले रहे हैं तो उसी तरह से हमारा नाम और आगे बढ़ता रहे। मैं जानना चाहूँगा कि समाज को मोटिवेट करने का आप काम किस तरह कर रही हैं, समाज में समाज सुधारक के रूप में आप क्या समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से? मैं क्या बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, आप कुछ तो प्रवचन करते होंगे, सुधार, शराब, कुरीतियाँ हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में आए हो तो मतलब ऐसा काम करके जाओ, ये जुआ शराब ये मतलब ऐब हैं, इन ऐबों से बच के और इतना खर्च ना करके और थोड़ा भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ और इस दुनिया से जाओ तो अपना नाम करके जाओ। उषा जी, मैं जानना चाहूँगा कि गाना आज तुम्हारा सुपरहिट हो गया तो उसके बाद आपको कैसा फील आता, कैसा लगता है? काफ़ी उसी गाने की डिमांड तो आती होगी, भागवत में जाते हो आप? हाँ, बहुत जगह आती है, मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ उस गाने की मांग हर जगह आती है, मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ गाना एक दिन में कम से कम 2-4 बार हो जाता है। आगे नया कौन सा गाना आने वाला है?
अब गाने तो बहुत सारे आने वाले हैं और सब लोगों की इच्छा है कि और गाने निकालो, जो मतलब जैसे नैना वारा गाना हिट हुआ तो इसी तरह से कोई और हिट हो जाए, लेकिन इसमें भी हम कोई संभावना नहीं करते हैं कि कौन सा गाना हिट हो जाए, गाने तो और भी आने वाले हैं। अब ये तो जनता की बात रही, मूड की बात रही। पब्लिक इस समय किस तरीके का म्यूजिक पसंद कर रही है? अब पब्लिक के बारे में मैं क्या बताऊँ, म्यूजिक तो हर तरीके से है, मतलब जैसे ऑर्गन, पैड, तबला, ये चीज़ है, ये भी मतलब अच्छी लगती मैंने है। मैंने जो गाना आपका सुना तो मैं काफ़ी खुश हुआ उस गाने को सुन के, लेकिन वो मुझे उसमें कुछ पैड वगैरह की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आपने तो गाना गाया था उस पर ढोलक पे, हारमोनियम पे, नहीं लेकिन वो रिमिक्स किया हुआ था शायद। हाँ, रिमिक्स लगा हुआ है उसमें, हमारा तो कैसियो और ये ढोलक चिमटा ये चीज़ लगी हुई थी, लेकिन रिमिक्स लगा दिया था उसमें टिंकू वर्मा ने लास्ट में जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे आधार टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों से, जो आपके व्यूवर हैं, आपको लाइक करते हैं, उनके लिए विशेष क्या? बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सब लोग आधार टीवी चैनल के लिए देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ आगे भी और देखें, मतलब ये आधार टीवी चैनल पे ही हमारे जो भी प्रोग्राम आएंगे ये सब मतलब आधार टीवी पे ही आएंगे। आपने स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, तो इस शास्त्रीय संगीत की क्या शिक्षा ग्रहण किया? मैं सर MA फाइनल किया। अच्छा, इस शास्त्रीय संगीत नहीं, नहीं, नहीं शास्त्रीय संगीत से नहीं। अच्छा, डायरेक्ट MA फाइनल किया, उससे इस लाइन में आ गया। जी जी जी। भागवत, क्या भागवत का क्या अर्थ होता है? अब भागवत का अर्थ वैसे तो लोग कुछ बता देते हैं, भागवत के चार अक्षरों का वर्णन करते हैं, भाषे भाव वैसे, लेकिन मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता हूँ। भागवत का कुल अर्थ है वेदांत टीका। जी, वेदांत टीका। जी, वेदांत टीका, ये इसकी व्याख्या थोड़ी सी। अब इसमें तो व्याख्या अगर करेंगे तो सर बहुत समय लग जाएगा थोड़ी सी। कुल मिलाकर के भागवत ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। जी, जैसे आजकल गायन विद्या में लोग चलते हैं लेकिन भागवत का कोई अर्थ नहीं समझा पाते, लेकिन सही समझा जाए तो सारी भागवत अध्यात्म में है। भागवत और शास्त्र में कोई फर्क है ऐसे में? मतलब भागवत और शास्त्र इन दोनों में कोई फर्क है या सेम है? भागवत और शास्त्र, जी, अंतर है थोड़ा सा। रिंकू जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे जी, समाज की इस समय क्या दशा चल रही है, उस दशा के ऊपर थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को हमारे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और गुरुदेव स्वामी आधार चेतन को कोट कोट नमन, और भाई श्याम यादव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि समाज में क्या चल रहा है। समाज में आजकल बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिसके सुधारने के लिए अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, जैसे स्वामी आधार चेतन जी हुए, ब्रजेश शास्त्री हुए, सुरजन चेतन हुए, कई समाज सुधारक हुए हैं जो समाज सुधारने में लगे हुए हैं जी। और उनमें छोटे मोटे शास्त्री जैसे हम भी आते हैं, अन्य कलाकार भी हैं जी, वो भी समाज में समाज को सुधारने के लिए कई प्रयत्न कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कई ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा समाज को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। समाज में जैसा कि अन्य अन्य तरीके की कुरीतियाँ चल रही हैं उसको सुधारने का आप संगीत के माध्यम से काम कर रहे हैं जी, है क्या कि एक वृंदावन तरीके की भागवत होती है, एक अपना अपने शास्त्रियों की तरफ से भागवत होती है, तो उस वृंदावन के जो भागवताचार्य आते हैं उनमें भीड़ कम आने का क्या कारण रहता है? देखिए, लोगों की अलग अलग च्वाइस होती है, कुछ लोगों को च्वाइस होती है संगीत का, जैसे हमारे देहात के क्षेत्र में लोग इच्छा करते हैं स्वामी आधार चेतन की रास्ता, हमारे आला सम्राट सुरजन चेतन की रास्ता, स्वामी ब्रजेश शास्त्री की रास्ता को पसंद करते हैं, तो वो लोग वृंदावन की भाषा को कम पसंद करते हैं, हमारे क्षेत्रीय जो गायक होते हैं उन लोगों की भाषा को अधिक पसंद करते हैं। आप झड़चौक लावनी? जी हाँ, झड़चौक लावनी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वैसे हम ज़्यादा पुराने इतने वक्ता तो नहीं हैं, पर इतना जानते हैं हम स्वामी आधार चेतन से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुदेव हैं, तो इतना ही कह सकते हैं कि इनका शुरुआत हमारे गुरुदेव स्वामी आधार चेतन ने ही किया है, यही हम जानते हैं।
आप भागवत बोलते हैं तो भागवत बोलते हैं या शास्त्रों का बखान करते हैं? देखिए, लोगों की पहले जो मत होता है, जैसे श्रोता बैठे हुए हैं उनकी इच्छा देखनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं संगीत के माध्यम से कथा श्रवण करना चाहते हैं तो संगीत भी सुनाना पड़ता है, और कुछ लोगों की इच्छा होती है ज्ञान की बातें, भागवत में गूढ़ बातें सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें सुनाना पड़ता है, और जैसे लोगों की इच्छा होती है वैसे हम श्रवण कराते हैं। शास्त्री जी, आपको कितने समय से ये भागवत गाने का? देखिए, मुझे तो इसकी लौ बचपन से लगी हुई है। जब हम कक्षा 7th में 8th में पढ़ता था तब स्वामी आधार चेतन की आवाज़ हमें बड़ी प्यारी लगती थी जी। इनकी लीला भी हमें बड़ी सुंदर लगती थी और हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। बचपन से ये सोचा करते थे कि स्वामी आधार चेतन के चरणों में जाएं, उनके शिष्य बने और हम भी एक शास्त्री बने जी। और जो समाज में आकर के हम भी कथा कहें, प्रवक्ता बने।